नमस्कार दोस्तों, छवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक कौन हैं और किस देश के रहने वाले हैं। सबसे पहले जो संप्रदाय है वह है संरचनावादी संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं विलियम वुंट, और 1832 से 1920 के अंदर इसका निर्माण हुआ और ये जर्मनी के रहने वाले थे। दूसरा है कार्यात्मकवादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स, और 1842 से 1910 में इसका जन्म हुआ और न्यूयॉर्क के ये रहने वाले थे। गेस्टाल्टवादी या समग्रवादी। इसके जो प्रवर्तक हैं मैक्स वर्दीमर और कोहलर और कुंटकोफा, ये तीन प्रवर्तक हैं इसके, आपको ध्यान रखना है। और 1880 के अंदर और 1943 इसका जन्म हुआ और जर्मनी के रहने वाले थे। कोहलर 1877 से 1967 ये जर्मनी के रहने वाले थे ये भी। और कुंटकोफा 1886-1941 जर्मनी के रहने वाले थे। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्राइड, 1856 से 1939 इसका निर्माण हुआ और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। साहचर्यवादी संप्रदाय। जॉन लॉक 1632 से 1704 में इसका जन्म हुआ और इंग्लैंड के रहने वाले थे। ब्रेकीय संप्रदाय विलियम मैकडूगल, 1871-1938 के बीच में इसका जन्म हुआ और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। व्यवहारवादी संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं आप सभी जानते हैं, वो थे वॉटसन, और 1878 से लेकर 1958 में इसका जन्म हुआ और ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है आपको मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं उनको याद करने का। तो आगे की जानकारी के लिए आप आज ही छवि क्लासेस को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।